और यहाँ आपको आगाह करें, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुआविने खुसूसी तारिक फातमी से खारजा उमूर का कलमदान वापस ले लिया है। तारिक फातमी को वज़ीर मुमलिकत का दर्जा दे दिया गया है। खबर दे रहे हैं आपको, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुआविने खुसूसी तारिक फातमी से खारजा उमूर का कलमदान वापस ले लिया है। तारिक फातमी को वज़ीर मुमलिकत का दर्जा दे दिया गया है। तो बड़ी खबर है जिससे मुतालिक हम आपको आगाह कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुआविने खुसूसी तारिक फातमी से खारजा उमूर का कलमदान वापस ले लिया है। बात करेंगे बहजाज़ सलीमी, में ज्वाइन कर चुके हैं। बहजाज़ सलीमी, क्या वजूहत सामने आ पाई है कलमदान वापस लेने की? जी, वफाकी काबीना में रद्दोबदल फौरी तौर पर देखने में आ रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तारिक फातमी से खारजा उमूर का कलमदान वापस लिया है और उनको अब वज़ीर ममलकत का दर्जा तो दे दिया गया है, लेकिन वो मामले खुसूसी रहेंगे, लेकिन अब उनके पास खारजा उमूर का कलमदान नहीं होगा। तारिक फातमी डॉन लीक स्कैंडल में उनका नाम आता रहा है और इस हवाले से जब उनको खारजा उमूर का कलमदान सौंपा गया तो इस हवाले से मुख्तलिफ हलकों की जानब से शदीद तनकीद सामने आई, जिसके बाद ये फैसला किया गया है और शहबाज शरीफ ने तारिक फातमी से खारजा उमूर का कलमदान वापस ले लिया। इसी तरह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी के एहसान मजारी की वजारत भी तब्दील कर दी है और एहसान मजारी से वजारत इंसानी हकूक का कलमदान वापस लेकर उन्हें बैन सूबाई राबता का वजीर बनाया गया है। जी ठीक है, शुक्रिया बहजाज़ सलीमी, आप हमें आगाह कर रहे थे।